लेटेस्ट फार्मेसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन। हाय, आज के वीडियो में हम आई ड्रॉप के बारे में पढ़ने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन क्या होते हैं, कौन कौन से प्रिपरेशन ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं और ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स की इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। अब इस वीडियो में हम आई ड्रॉप के बारे में इन डिटेल जानने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ आई ड्रॉप्स। आई ड्रॉप्स आर स्टेराइल इक्वियस और ऑयली सॉल्यूशंस और सस्पेंशन ऑफ ड्रग्स दैट आर इंस्टिल्ड इनटू द आई विद अ ड्रॉपर। आई ड्रॉप जो होते हैं स्टेराइल एक्वियस या फिर ऑयली सॉल्यूशंस होते हैं, या फिर वो ड्रग के सस्पेंशन भी हो सकते हैं जो आँखों में इंस्टिल किए जाते हैं। इसके लिए इनबिल्ट ड्रॉपर हो सकता है कंटेनर में, या फिर सेपरेट ड्रॉपर भी प्रोवाइड किया जा सकता है। अब ये जो आई ड्रॉप्स होते हैं इसमें हम कौन कौन से टाइप के ड्रग्स इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, तो हम इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं एंटीसेप्टिक ड्रग्स, एनास्थेटिक ड्रग, या फिर एंटी इंफ्लामेटरी, मिड्रियाटिक ड्रग्स, या फिर मियोटिक ड्रग्स। अब इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है आई ड्रॉप की, इसमें 6 इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक होती है जो हमें आई ड्रॉप बनाते वक्त ध्यान में रखनी चाहिए। फर्स्ट इज़ दे शुड बी स्टेराइल। जब भी हम आई ड्रॉप बनाते हैं वो स्टेराइल होने चाहिए, क्योंकि ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट जो होते हैं उनमें प्सीडोमोनास एरिजिनोसा नाम की जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की स्पेसीज होती है उससे किसी पेशेंट की आंखें भी जा सकती है, मतलब उनकी आंखों की विजन जा सकती है। इसीलिए हमारे प्रिपरेशन को स्टेराइल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेकेंड एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक इज़ दे शुड बी आइसोस्मोटिक विथ लैक्रिमल सिक्रीशन। जिस तरह से ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट ने हमेशा लैक्रिमल सिक्रेशन के साथ आइसोटोनिक होना ज़रूरी है, उसी तरह से आई ड्रॉप ने लैक्रिमल सिक्रेशन के साथ आइसोस्मोटिक होना भी ज़रूरी है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ये है कि आई ड्रॉप हमेशा फ्री फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स होने चाहिए, उसमें कोई भी फाइबर्स या फिर फिलामेंट्स प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक ये कि आई ड्रॉप का जो पीएच होता है वो न्यूट्रल होना चाहिए, ऑलमोस्ट न्यूट्रल होना चाहिए, क्योंकि अगर एसिडिक पीएच रहा तो वो आँखों को इरिटेट कर सकता है। इसीलिए हमेशा पीएच न्यूट्रल के रेंज पे होना चाहिए, न्यूट्रल के आसपास होना चाहिए। द फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक इज़ आई ड्रॉप जो होते हैं वो हमेशा सुटेबल बैक्टीरिसाइड के साथ प्रिजर्व किए जाते हैं, क्योंकि उसमें जो एक्वियस मीडिया होता है आई ड्रॉप में उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकती है, तो उस बैक्टीरियल ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए हमें उसमें बैक्टीरिसाइड या फिर प्रिजर्वेटिव ऐड करने पड़ते हैं। एंड द सिक्स्थ एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आई ड्रॉप इज़ दे शुड रिमेन स्टेबल ड्यूरिंग इट्स स्टोरेज। जो भी उसका स्टोरेज पीरियड हो, शेल्फ लाइफ हो, चाहे वो 2 साल हो, 3 साल हो, या फिर 1 साल हो, तो स्टोरेज पीरियड के दौरान हमारे जो आई ड्रॉप बनाया हुआ है उसने अनस्टेबल नहीं होना चाहिए, वो स्टोरेज पीरियड के दौरान हमेशा स्टेबल रहना चाहिए। सो दोज आर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आई ड्रॉप्स। अब हम देखते हैं कि ये आई ड्रॉप किस तरह से फॉर्मुलेट किए जाते हैं, तो इसमें जनरली 4 स्टेप्स इन्वॉल्व होती है, और 5th पॉइंट जो होता है वो है कंटेनर, कि किस टाइप के कंटेनर्स हम यूज़ करते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ प्रिपरेशन ऑफ बैक्टीरिसाइडल और फंगिसाइडल वेहिकल। क्या करना होता है हमें, सबसे पहले बैक्टीरिसाइडल या फिर फंगिसाइडल जो भी ड्रग होता है उसका सॉल्यूशन हमें बनाना पड़ता है, उसका वेहिकल बनाना पड़ता है, और उसी वेहिकल में फिर हमें क्या डिसॉल्व करना होता है, जो एक्टिव मेडिकामेंट है या फिर एडजुएंट है वो हमें बैक्टीरिसाइडल और फंगिसाइडल वेहिकल में मिक्स करने होते हैं, ऐड करने होते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमने सबसे पहले बैक्टीरिसाइडल वेहिकल बना लिया, उसके बाद मेडिकामेंट एंड एडजुएंट उसमें डिज़ोल्व किए, और अब हम क्या करेंगे, हम क्लैरिफिकेशन करेंगे। क्लैरिफिकेशन करने के बाद फिर हम उसे फाइनल कंटेनर में फिल करके स्टराइज कर लेंगे। तो ये था फॉर्मुलेशन ऑफ आई ड्रॉप। अब इसके बाद हमें क्या करना है, स्टेरिलाइजेशन के बाद कंटेनर जो भी हमने बनाए हैं तो उसे अच्छे से क्लीन कर लेना है, लेबल कर लेना है और डिस्पेस कर देना है। सो दिस इज़ द स्टेप्स ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ आई ड्रॉप। अब ये जो स्टेप्स होती है ये हम इन डिटेल पढ़ने वाले हैं कि बैक्टीरियल या फिर फंगिसाइडल वेहिकल कैसे बनाते हैं, कौन कौन से ड्रग्स उसमें यूज़ करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रिपरेशन ऑफ बैक्टीरियल फंगिसाइडल वेहिकल। तो इसमें हमें क्या करना है, ये जो बैक्टीरिसाइडल या फिर फंगिसाइडल वेहिकल होते हैं वो एक्वियस सॉल्यूशन हो सकते हैं या फिर ऑयली वेहिकल्स हो सकते हैं जो हम आई ड्रॉप में यूज़ कर रहे हैं। ये जो वेहिकल होते हैं एक्वियस या फिर ऑयली, ये बैक्टीरिया या फिर फंगल की ग्रोथ को ज़्यादा प्रमोट करते हैं क्योंकि उसमें वो मीडिया होता है जो बैक्टीरिया या फिर फंगस की ग्रोथ को प्रमोट कर सके। तो ये जो वेहिकल है इसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ को सपोर्ट करने की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इसीलिए हमें वेरियस बैक्टीसाइड्स एजेंट या फिर फंगिसाइडल एजेंट ऐड करने होते हैं ताकि हम बैक्टीरिया की ग्रोथ को या फिर फंगस की ग्रोथ को सप्रेस कर पाए, स्टॉप कर पाए। अब कौन कौन से ऐसे एजेंट हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को या फिर फंगस की ग्रोथ को स्टॉप कर सकते हैं, तो उसमें आते हैं फिनिल मर्क्यूरिक नाइट्रेट या फिर फिनिल मर्क्यूरिक एसिटेट। अब ये जो फिनिल मर्क्यूरिक नाइट्रेट या फिर एसिटेट हम एज ए बैक्टीरिसाइड यूज़ करते हैं, उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है तो 0.002% इस कॉन्सेंट्रेशन में हम ये जो ड्रग होते हैं बैक्टीरिसाइड्स वो यूज़ करते हैं। अब ये जो प्रिपरेशन हम फिनिल मर्क्यूरिक नाइट्रेट का प्रिपरेशन बनाते हैं, ये हमें उस आई ड्रॉप में यूज़ नहीं करना है जो हम प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा देर तक, बहुत ज़्यादा टाइम तक अगर हम सेम आई ड्रॉप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें फिनिल मर्क्यूरिक नाइट्रेट नहीं होना चाहिए क्योंकि वो आँखों को डैमेज कॉज कर सकता है। नेक्स्ट इज़ कि फिनिल मर्क्यूरिक नाइट्रेट के अलावा और कौन कौन से ड्रग हम यूज़ कर सकते हैं एज बैक्टीरिसाइड और फंगिसाइड, तो उसमें आते हैं एग्जाम्पल बेंजालकोनियम क्लोराइड, वो 0.01% के कॉन्सेंट्रेशन में हम यूज़ करते हैं। और अगर हम लोकल एनास्थेटिक कैटेगरी का आई ड्रॉप बना रहे हैं तो उसके साथ हम बेंजालकोनियम क्लोराइड का जो बैक्टीरियासाइडल सॉल्यूशन है वो यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज क्लोरहेक्सिडीन एसिटेट, जो हम 0.01% कॉन्सेंट्रेशन में यूज़ करते हैं, वो भी हम एज बैक्टीरियासाइडल या फिर फंगिसाइडल एजेंट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। द नेक्स्ट स्टेप इज़ प्रिपरेशन ऑफ सोल्यूशन ऑफ मेडिकामेंट एंड एडजर्ट। अब तक हमने क्या किया, अब तक हमने बैक्टीरियासाइडल का सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया है और इस स्टेप में हम हमारे जो मेडिकामेंट है या फिर एडजर्ट है वो ऐड करने वाले हैं। तो मेडिकामेंट एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो वो जो मेडिकामेंट है वो हमें एक्वियस वेहिकल में डिसॉल्व कर लेने हैं। जिस एक्वियस वेहिकल में हमें एंटीमाइक्रोबियल एजेंट डिसॉल्व किए थे वही वेहिकल हमें मेडिकामेंट डिसॉल्व करने के लिए यूज़ करना है। और उसी वक्त हम क्या करेंगे, जो एडजर्ट हमारे प्रिपरेशन में हमें डालने हैं वो इसी वक्त हम इसमें डिसॉल्व कर लेंगे। अब इसमें क्या होगा कि अगर हम इसी वक्त मेडिकामेंट और एडजर्ट डाल रहे हैं तो एक स्टेबल प्रिपरेशन फॉर्म हो जाएगा। ओके, देन थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, क्लैरिफिकेशन करेंगे। अब क्लैरिफिकेशन क्यों करेंगे, अगर गलती से कोई पार्टिकुलेट मैटर हमारे प्रिपरेशन में चला गया है तो हम उसे फ़िल्टर कर लेंगे ताकि हमारा प्रिपरेशन क्लियर बने, हमारा सॉल्यूशन क्लियर बने। अब क्लैरिफिकेशन के लिए हम कौन कौन से फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं, तो हम बैक्टीरिया प्रूफ फ़िल्टर यूज़ करेंगे क्योंकि जो भी पार्टिकुलेट मैटर है जो आँखों से विजिबल है वो तो डिस्कार्ड हम कर ही लेंगे, लेकिन जो आँखों से दिख नहीं रहा, अगर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कंटामिनेशन हो गया है तो हम मेम्ब्रेन फ़िल्टर या फिर सिंटर क्लास फ़िल्टर जैसे जो बैक्टीरिया प्रूफ फ़िल्टर होते हैं वो यूज़ करेंगे, तो उससे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हम अवॉइड कर सकते हैं। अब इस क्लैरिफिकेशन के प्रोसेस में जो हम मेम्ब्रेन फ़िल्टर यूज़ करते हैं तो उस फिल्टर की साइज़ होती है 0.8 माइक्रोमीटर। जो पोर साइज़ होती है मेम्ब्रेन फ़िल्टर की वो 0.8 माइक्रोमीटर के आसपास होती है। अब इसमें बहुत से ऐसे बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम रिटेन कर पाते हैं जो 0.8 की साइज़ से ज़्यादा बड़े हैं। अब क्या होता है, क्लैरिफिकेशन करने के बाद जो क्लैरिफाइड सॉल्यूशन हमें मिला है उसे हमें इमीडिएटली फाइनल कंटेनर में ट्रांसफ़र करना होता है। और फाइनल कंटेनर में ट्रांसफ़र करने के बाद हम उस कंटेनर को सील कर लेते हैं। अब सील क्यों करते हैं, क्योंकि हमने क्लैरिफिकेशन कर लिया है, मतलब हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमारे प्रिपरेशन से अलग कर लिया है। अब हमें ये खबरदारी लेनी चाहिए कि आगे चलकर फिर से हमारे प्रिपरेशन में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर ना करे, तो इसलिए हम क्या करेंगे, क्लियरिफाई करने के बाद हम इमीडिएटली जो प्रिपरेशन हमने बनाया है उसे फाइनल कंटेनर में डालेंगे और उसे सील कर लेंगे ताकि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उससे जाने से रोक पाए। ठीक है, और क्लैरिफिकेशन करने के बाद हम क्या करेंगे, स्टेरिलाइजेशन करेंगे। अब ये जो स्टेरिलाइजेशन होता है ये 3 मेथड से कैरी किया जाता है। फर्स्ट मेथड होती है ऑटोक्लेविंग की, जहाँ पे हम ऑटोक्लेव करते हैं हमारे आई ड्रॉप के प्रिपरेशन को, या फिर सेकेंड मेथड होती है कि बैक्टीरियासाइड के साथ उसे हीट करना होता है 98 टू 100 डिग्री सेल्सियस तक 30 मिनट के लिए, तो भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकते हैं। और थर्ड मेथड होती है कि हम उसमें फिल्ट्रेशन से या बैक्टीरिया प्रूफ जो फिल्टर होते हैं उससे स्टेरिलाइज करें। तो ये तीनों मेथड होती है जिससे हम प्रिपरेशन को स्टेरिलाइज कर सकते हैं। स्टेरिलाइज करने के बाद हम क्या करेंगे, फाइनल कंटेनर में उसको फिल करेंगे। अब ये जो कंटेनर होते हैं वो किस चीज़ से बनाए जाते हैं, तो आई ड्रॉप के जो कंटेनर होते हैं वो न्यूट्रल ग्लास कंटेनर होते हैं या फिर सुटेबल ग्लास कंटेनर होते हैं जो हम यूज़ करते हैं। जनरली अभी तो प्लास्टिक की स्क्वीज़ बॉटल यूज़ की जाती है क्योंकि वो काफ़ी हैंडी होती है और उसे गैसीय स्टरलाइजेशन से स्टराइल भी किया जाता है। लेकिन ओल्डन डेज में क्या होता था कि वर्टिकली फ्लूटेड बॉटल होती थी अंबर कलर की, जिसके साथ एक सेपरेट ड्रॉपर आता था, तो उस ड्रॉपर की मदद से हमें आँखों में वो प्रिपरेशन इंस्टिल करना होता था। लेकिन अभी फ्लूटेड बॉटल की जगह हम प्लास्टिक की स्क्वीज़ बॉटल यूज़ करते हैं। अब ये जो बॉटल होती है उसकी कैपेसिटी होती है 4 से 8 ml तक। अब अगर आपने देखा होगा अपने घर में भी, तो जो भी आई ड्रॉप की बॉटल आती है किसी की भी कैपेसिटी 1000 ml या फिर 100 ml की नहीं होती, जनरली 4 से 8 ml तक की होती है। अब ये जो प्लास्टिक स्क्वीज़ बॉटल्स हम यूज़ करते हैं वो किस लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि वो हैंडल करने में काफ़ी हैंडी होती है और हम उसे गैशियस मेथड से भी स्टेरिलाइज कर सकते हैं, तो इसीलिए प्लास्टिक स्क्वीज़ बॉटल ज़्यादा पॉपुलर है आजकल। अब ये तो तक देख लिया हमने फॉर्मुलेशन की किस तरह से आई ड्रॉप को फॉर्मुलेट करते हैं। अब देख लेते हैं कि लेबलिंग कैसे किया जाता है आई ड्रॉप को। तो सबसे पहले आई ड्रॉप का जो नाम आता है, जो प्रिपरेशन हमने बनाया है वो मेंशन करना होता है टाइटल लाइन में, और उसके बाद क्वांटिटी प्रिपरेशन की जो हमने बनाई है वो मेंशन करनी होती है। डिस्पेंसिंग फार्मेसी का लेबल का फॉर्मेट कुछ अलग होता है, इसीलिए ये फॉर्मेट मैं आपको बता रही हूँ, ये डिस्पेंसिंग फार्मेसी के लिए फॉर्मेट है। तो किसके लिए बनाया है हमने, उस पेशेंट का नाम यहाँ पे मेंशन करना होता है, किसने बनाया है, किसने डिस्पेंस किया है, तो आपको यहाँ पे अपना नाम मेंशन करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी आपके रजिस्टर में होगा वो मेंशन कीजिए, और डेट, जिस डेट को आपने अपना प्रिपरेशन बनाया है उस डेट को मेंशन कीजिए। फिर उसके बाद आपको स्टोरेज कंडीशन लिखनी है, स्टोरेज कंडीशन आप ग्रीन कलर में लिख सकते हैं, और उसके बाद डायरेक्शन लिखना है। आई ड्रॉप हमेशा हम एक्सटर्नली यूज़ करते हैं, ओरली यूज़ नहीं करते, इसीलिए फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली इस तरह का डायरेक्शन आप लिख सकते हैं। और उसके बाद आएगा आपके मैन्युफैक्चरर का नाम, तो आप यहाँ पे सिंपली अपने इंस्टीट्यूट का नाम डाल दीजिए, नो प्रॉब्लम। अब देखते हैं कि फॉर्मुलेशन की प्रोसेस तो हमने देख ली अब तक कि किस तरह से फॉर्मुलेट किया जाता है। 4 स्टेप्स में फॉर्मुलेट किया जाता है। सबसे पहले हम फंगीसाइडल या फिर बैक्टीरिसाइडल एजेंट का प्रिपरेशन बना लेंगे, फिर उसमें एडजेंट या फिर मेडिकामेंट डाल के उसे मिक्स कर लेंगे, फिर क्लैरिफाई करेंगे और फिर स्टरिलाइजेशन करेंगे। अब मेडिकामेंट और एडजेंट तो हमें डालने हैं, लेकिन कौन कौन से एडजेंट हम प्रिपरेशन में यूज़ करते हैं आई ड्रॉप के, तो वो देख लेते हैं। तो आई ड्रॉप के प्रिपरेशन में हम थिकनिंग एजेंट यूज़ करते हैं, बफर्स यूज़ करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट, वेटिंग एजेंट एंड आइसोटोनिक टोनिसिटी एडजस्टर यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो एडजस्ट्स हम यूज़ करते हैं वो 1 by 1 हम देख लेते हैं कि क्या क्या कंटेंट उसमें होता है। तो ये जो थिकनिंग एजेंट होते हैं ना, उसके एग्जांपल होते हैं मिथाइल सेल्यूलोज, कार्बोक्सीमिथिल सेल्यूलोज, पॉलीविनिल अल्कोहल, पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल। ये जो एग्जांपल होते हैं थिकनिंग एजेंट के वो हम जनरली आई ड्रॉप में यूज़ करते हैं। अब यूज़ क्यों करते हैं, मेन प्रोपोर्शन, मतलब क्या बात आ गई जो इसमें थिकनिंग एजेंट यूज़ करना होता है। तो क्या होता है ना कि आई ड्रॉप को थोड़ी सी विस्कोसिटी इम्प्रूव करने के लिए या फिर विस्कोसिटी इंक्रीज़ करने के लिए हमें थिकनिंग एजेंट हमारे आई ड्रॉप में इनकॉर्पोरेट करने पड़ते हैं। अब ये क्या करते हैं, थिकनिंग एजेंट इसलिए ऐड करते हैं ताकि विस्कोसिटी इंक्रीज़ हो पाए। अगर विस्कोसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी तो क्या होगा, जो ड्रग का कांटेक्ट होता है आई से, तो वो हम प्रोलॉन्ग कर पाएंगे, हम इंक्रीज़ कर पाएंगे, ताकि आई के कांटेक्ट में जब ज़्यादा से ज़्यादा देर तक रहे और उसकी जो थेरापेटिक एक्शन है वो हमारी आँखों को मिल पाए। नेक्स्ट इज़ बफर्स। बफर्स क्या होते हैं, बफर ऐसे एजेंट होते हैं जो हमारे प्रिपरेशन के पीएच को मेंटेन करने में या फिर एडजस्ट करने में मदद करते हैं। इसी के साथ साथ पीएच क्या क्या डिटरमाइन करता है जो हमने लास्ट वीडियो में देखा, लास्ट वीडियो की लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे रही हूँ, तो वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। तो पीएच के बारे में बात कर रहे थे हम कि लास्ट वीडियो में हमने देखा कि पेशेंट की जो कंफर्टनेस होती है वो इनडायरेक्टली पीएच पर डिपेंड होती है प्रिपरेशन के। इसी के साथ साथ सोल्युबिलिटी, स्टेबिलिटी, जो थेरेपेटिक एक्शन होती है वो भी पीएच पे डिपेंड होती है। तो इन शॉर्ट हम क्या कर सकते हैं कि क्लिनिकल रिस्पॉन्स जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं बफर्स के एडिशन के साथ। अब कौन कौन से बफर हम यूज़ कर सकते हैं, तो बोरिक एसिड यूज़ कर सकते हैं एज अ बफर, सोडियम सिट्रेट यूज़ कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट एजेंट इज़ एंटीऑक्सीडेंट। अब हम आई ड्रॉप में एंटीऑक्सीडेंट भी यूज़ करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट करते हैं हमारे प्रिपरेशन को। या फिर हम क्या कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन क्यों होता है, हवा में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है ना, तो उसके साथ हमारे प्रिपरेशन के केमिकल रिएक्ट करते हैं और ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, जो हमने जो प्रिपरेशन बनाया है तो उसके ऊपर थोड़ी सी स्पेस रहती है जिसमें हवा होती है, तो हवा में ऑक्सीजन प्रेजेंट होने की वजह से वो हमारे प्रिपरेशन के साथ रिएक्ट हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, जो ऑक्सीजन या फिर एयर होती है कंटेनर में अपर साइड में जो स्पेस होती है, तो उसे हम किसी इनर्ट गैस से रिप्लेस करेंगे। तो क्या होगा, तो इनर्ट गैस है तो मतलब किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा और रिजल्टिंग क्या मिलेगा हमें रिजल्ट में कि ऑक्सीडेशन हम प्रिवेंट कर पाएंगे। अब कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हम आई ड्रॉप में यूज़ करते हैं, तो उसके एग्जांपल्स है सोडियम मेटाबाइसल्फाइट एंड सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट है वेटिंग एजेंट। अब ये वेटिंग एजेंट हम क्यों यूज़ करते हैं, आई ड्रॉप में जो कॉर्निया, आई में जो कॉर्निया होता है ना, तो उसमें पेनिट्रेशन इंक्रीज़ करने के लिए हम वेटिंग एजेंट यूज़ करते हैं। वेटिंग एजेंट के एग्जाम्पल है पॉलीसॉर्बेट 20 एंड पॉलीसॉर्बेट 80। नेक्स्ट इज आइसोटोनिसिटी एडजस्टर्स। जो आई ड्रॉप या फिर कोई भी ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं उसने हमारे आँखों की जो लैक्रिमल सिक्रेशन होती है उसके साथ आइसोटोनिक होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आँखों में इरिटेशन हो सकती है, कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकती है विजन में, तो इसीलिए आइसोटोनिसिटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो जो आई ड्रॉप हमने बनाए हुए हैं उसमें या हम बफर्स या फिर कुछ अदर सॉल्यूशंस ऐड करके आइसोटोनिसिटी एडजस्ट कर सकते हैं। तो सोडियम क्लोराइड जैसे कुछ एग्जांपल है आइसोटोनिसिटी एडजस्ट करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं। ओके, अब हम आई ड्रॉप को हैंडल करते वक्त कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए ये जान लेने वाले हैं। तो फर्स्ट प्रिकॉशन जो हमें आई ड्रॉप हैंडल करते वक्त लेनी चाहिए वो है इफ़ ड्रॉपर इज सेपरेट होल्ड इट विद इट स्टीप डाउन। अगर हमारा जो आई ड्रॉप है उसमें सेपरेट ड्रॉपर प्रोवाइड किया हुआ है तो हमें ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि हम उसके टिप को टच नहीं कर रहे हैं, हमारे हैंड, हमारे फिंगर उसके टिप को टच नहीं कर रहे हैं। टच करेंगे तो क्या होगा कि हमारे हाथों पे भी काफ़ी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हम अपने नेकेड आई से देख नहीं पाते हैं। टच करेंगे तो वो टिप कंटामिनेट हो जाएगा, तो इसीलिए हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हम अपने जो ड्रॉपर होते हैं उसके टिप को अपने हाथों से कभी भी टच ना करें। नेक्स्ट इज़ नेवर टच द ड्रॉपर सरफेस। जिस तरह से हम ड्रॉपर के टिप को टच नहीं कर सकते उसी तरह से ड्रॉपर के सरफेस को भी हमें टच नहीं करना है, वरना वो भी कंटामिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ नेवर रिंस द ड्रॉपर। जो ड्रॉपर हम आँखों में प्रिपरेशन इंस्टिल करने के लिए यूज़ कर रहे हैं उसे वाटर से रिंस नहीं करना है, क्योंकि वाटर जो होता है उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है। अगर वही ड्रॉपर हम हमारे प्रिपरेशन में इंसर्ट करेंगे तो हमारा प्रिपरेशन कंटामिनेटेड हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, इसीलिए ड्रॉपर को कभी रिंस नहीं करना होता है। देन नेक्स्ट इज़ नेवर यूज़ आई ड्रॉप्स दैट हैव चेंज्ड कलर। ऐसे आई ड्रॉप्स बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने जिन्होंने अपना कलर चेंज किया है, मतलब आपने 2 महीने पहले आई ड्रॉप बाई की, अपने घर में रखी, 2 महीने तक आपने यूज़ नहीं किया, लेकिन जब आपने आई ड्रॉप लिया था तब आपने नोटिस किया था कि उसका कलर वाइट था। अगर आप 2 महीने के बाद उसे यूज़ कर रहे हैं जिसका कलर अभी थोड़ा सा येलोविश हो गया है, तो आपको इस तरह की आई ड्रॉप बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज हो रहा है, इसका मतलब कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हैम्पर हो चुकी है, या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ केमिकल डिग्रेडेशन अंदर हुआ है इसीलिए उसने अपना कलर चेंज किया है। तो अगर ऐसे प्रिपरेशन आप अपनी आँखों के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वो हार्मफुल हो सकता है। नेक्स्ट इज अवॉइड कंटामिनेशन ऑफ कैप व्हेन द ड्रॉपर इज एट द टॉप। अब हम यहाँ पे कौन से कंटेनर की बात कर रहे हैं, कौन से कैप की बात कर रहे हैं, जो इनबिल्ट कंटेनर में जो इनबिल्ट ड्रॉपर होते हैं ना, कंटेनर में खुद के ड्रॉपर होते हैं, अलग से ड्रॉपर प्रोवाइड नहीं किया जाता। तो इस टाइप के अगर कंटेनर हमें मिल रहे हैं आई ड्रॉप के तो हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हम उसकी कैप को भी कंटामिनेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कैप वो जो टिप होता है ना ड्रॉपर का उसके ऊपर फिट होती है। तो अगर कैप कंटामिनेट हो जाएगी तो चांसेस है कि ड्रॉपर का जो टिप है वो भी कंटामिनेट हो जाएगा और इसकी वजह से प्रिपरेशन भी फुल्ली कंटामिनेट हो सकता है। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ डोंट क्लोज आईज टाइटली और ब्लिंक फास्टर आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आई ड्रॉप। तो हमारा जो आई ड्रॉप का प्रिपरेशन है जब आँखों में इंस्टिल किया हुआ होता है तो उसके बाद बहुत ज़्यादा फास्टर वे में हमें आई को ब्लिंक नहीं करना होता है या फिर बहुत ज़्यादा टाइटली आई क्लोज़ नहीं करनी होती है। अगर आप ज़्यादा टाइटली आई क्लोज करेंगे तो क्या होगा, जो प्रिपरेशन आँखों के अंदर हमने इंस्टिल किया है वो बाहर चला जाएगा, या फिर ज़्यादा फास्टर ब्लिंक करेंगे तो भी प्रिपरेशन वाइप होने के चांसेस होते हैं। तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। अब ये चीज़ें क्या आपके लिए है? नहीं, ये चीज़ें पेशेंट के लिए है। ये जो प्रिकॉशंस हैंडल करते वक्त मैं आपको पढ़ा रही हूँ या फिर आप सीख रहे हैं, आपको तो पता चल जाएगा, लेकिन जो पेशेंट आपके पास आने वाले हैं, समझ लीजिए कि आपने अपनी केमिस्ट की शॉप खोली है, फार्मेसी की शॉप खोली है, और आपके पास कोई पेशेंट आया, तो आपको पेशेंट को काउंसलिंग में ये सारी चीज़ें बतानी है, ताकि पेशेंट कि मतलब जो आके है उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट उनको ऑब्जर्व ना हो, या फिर पेशेंट ने ऐसा ना कुछ एक्टिविटी करे कि उनका प्रिपरेशन कंटामिनेट हो जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको पेशेंट काउंसलिंग करते वक्त पेशेंट को बतानी है। अब देखते हैं कि आई ड्रॉप के जो एग्जांपल्स होते हैं वो क्या है, किस तरह से आई ड्रॉप बनाते हैं। अब तक हमने सिर्फ थ्योरेटिकल प्रोसेस देखी है कि फॉर्मुलेशन क्या होता है, कौन कौन से एडजेंट हम यूज़ करते हैं, किस तरह से बनाते हैं आई ड्रॉप। अब एक एग्जांपल भी देख लेते हैं कि किस तरह से आई ड्रॉप बनाया जाता है। ये जो आई ड्रॉप का एग्जाम्पल हम अब देख रहे हैं, ये आपके मैनुअल में भी है, MSBT का जो मैनुअल है उसमें भी आपको ये सेम प्रोसीजर मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर जब ओवरलुक कर रहे हैं, तो टाइटल है टू प्रिपेयर एंड डिस्पेंस 100 ml ऑफ एट्रोपिन आई ड्रॉप्स BPC ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स, और फॉर्मुलेशन टेबल जो दिया है तो उसमें इंग्रेडिएंट हमें चाहिए होंगे एट्रोपिन सल्फेट 1 ग्राम, फिनिल मर्क्यूरिक नाइट्रेट सॉल्यूशन हमें बनाना है, बैक्टीरिसाइड एजेंट है तो हमें वो 50 ml बनाना है, और प्यूरिफाइड वाटर हमें चाहिए होगा 100 ml। 100 ml हमें एज इट इज़ नहीं चाहिए, क्वांटिटी सफिशिएंट चाहिए, मतलब 50 ml मर्क्यूरिक नाइट्रेट सॉल्यूशन तो अवेलेबल है ही। अब उसमें 100 ml का वॉल्यूम मेकअप करने के लिए जितना भी बचा हुआ वाटर हमें चाहिए, तो उतना वाटर हमें लगेगा, एग्जैक्टली 100 ml नहीं, थोड़ा कम लगेगा। तो इसमें जो डायरेक्शन है, जो भी डायरेक्शन एज़ पर फिजिशियन होती है, फिजिशियन जिस तरह से भी डायरेक्ट करते हैं उस तरह से हमें ये प्रिपरेशन एडमिनिस्टर करना है। अगर फिजिशियन बोलेंगे कि ये 2 या 3 ड्रॉप दिन में 3 बार, दिन में 2 बार, तो उस तरह से आप एडमिनिस्टर कर सकते हैं। मेथड, अब इसे कैसे बनाना है? सबसे पहले हमें फिनिल मर्क्यूरिक नाइट्रेट का सॉल्यूशन बना लेना है 0.002% कॉन्सेंट्रेशन का। उसके बाद हमें एट्रोपिन सल्फेट फिनिल मर्क्यूरिक नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डिसॉल्व करना है, फिर वाटर से हम वॉल्यूम मेकअप कर लेंगे, फ़िल्टर करेंगे मेम्ब्रेन फ़िल्टर से, और उसके बाद फाइनल कंटेनर में ट्रांसफ़र करेंगे और ऑटोक्लेव से स्टेरिलाइज कर लेंगे, और फिर स्टेरिलाइजेशन होने के बाद बॉटल क्लीन करके उसे लेबल करेंगे और फिर डिस्पेंस करेंगे पेशेंट को। अब ये जो प्रोसीजर हमने देखी, मेथड हमने देखी, ये हम एक एनिमेटेड वीडियो की मदद से समझेंगे कि किस तरह से ये प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। तो सबसे पहले आप बटर पेपर लेंगे, उस पर फिनिल मर्क्यूरिक नाइट्रेट आप वे कर लेंगे, और अनादर भी कर लेंगे जिसमें वाटर फिल किया हुआ है 50 ml। अब ये जो फिनिल मर्क्यूरिक नाइट्रेट आपने यहाँ पे वेट करके रखा हुआ है उसे हम वाटर में ऐड करेंगे और अच्छे से डिसॉल्व करेंगे। तो ये हमारा क्या बन गया? ये बन गया फिनिल मर्क्यूरिक नाइट्रेट का सॉल्यूशन, जो बैक्टीरिसाइडल सॉल्यूशन है। अब इस सॉल्यूशन में हमें क्या करना है? इस सॉल्यूशन में हमें ऐड करना है एट्रोपिन सल्फेट। एट्रोपिन सल्फेट ऐड करने के बाद जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन हमें मिला है वो है एट्रोपिन सल्फेट सॉल्यूशन, जो 50 ml की क्वांटिटी में हमारे पास अभी मौजूद है। अब हमें क्या करना है? अब हमें वॉल्यूम मेकअप करना है वाटर के साथ। अब हम इस बीकर में क्या ऐड करेंगे? 50 ml तो ये हमारे पास है ही। अब जो बचा हुआ 50 ml है उसमें हम वाटर ऐड करेंगे। तो वाटर ऐड करने के बाद कुछ इस तरह से हमें ये सॉल्यूशन मिला है जो 100 ml है। अब ये सॉल्यूशन मिलने के बाद हमें क्या करना है? इसे मेम्ब्रेन फ़िल्टर असेंबली से फ़िल्टर कर लेना है, ठीक है। फ़िल्टर करने के बाद हम इसे फाइनल कंटेनर में फिल करेंगे और उसके बाद स्टेरिलाइज कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम आई ड्रॉप बना चुके हैं। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से आई ड्रॉप फॉर्मुलेट किया जाता है, आई ड्रॉप होते क्या है, या फिर आई ड्रॉप की जो एडजेंट यूज़ करते हैं उसमें कौन कौन से एजेंट आते हैं। एक प्रिपरेशन देखा हमने एट्रोपिन सल्फेट आई ड्रॉप का। तो आज के वीडियो में हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आई लोशन क्या होते हैं, किस तरह से बनाए जाते हैं, और उसके साथ साथ आई ऑइंटमेंट या फिर जो कॉन्टैक्ट लेंस सॉल्यूशन होते हैं, आई सस्पेंशन होता है, वो भी हम पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आई लोशन, आई सस्पेंशन, आई ऑइंटमेंट एंड कॉन्टैक्ट लेंस सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।